हेलो डिफेंस लिसनर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं IRST सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम को इस वक्त इंडिजीनियसली DRDO द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका यूज तेजस MK2, एमका, TEDBF और Su-30 MKI में किया जाएगा। ये वही सेंसर है जो कि एक 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट एंड ट्रैक करने की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में हम इसी सेंसर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस IRST सेंसर को समझने से पहले एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर को समझना जरूरी है, जिसके बाद ही आप इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो एक्टिव सेंसर्स वो सेंसर होते हैं जो कि एनर्जी को खुद ही एमिट करते हैं, और जब वो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है तो एक्टिव सेंसर में मौजूद रिसीवर उसे रिसीव करके उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और एक्यूरेसी या फिर डिस्टेंस को पता कर लेती है। अब एक्टिव सेंसर के रूप में आप AESA रडार को ले सकते हैं जो कि फाइटर जेट में ऑलरेडी लगा होता है। वहीं पैसिव सेंसर वो सेंसर होते हैं जो कि किसी भी एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं, बल्कि नेचुरली ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन हीट के रूप में एमिट हो रही होती है उसे डिटेक्ट करती है और उसके वेवलेंथ के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और स्पीड या फिर टाइप का पता लगाती है। और इसके एग्जाम्पल में आप IRST सिस्टम को ले सकते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन थी एक पैसिव और एक्टिव सेंसर्स की। तो अब जब आपको एक्टिव और पैसिव सेंसर कैसे वर्क करते हैं ये पता है, तो अब आइए बात करते हैं कि कैसे ये सिस्टम एक 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट को इतना केपेबल बनाती है कि वो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सके। इसके लिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहां पर हम इंडिया और चाइना के एयरफोर्स के फाइटर जेट की बात करेंगे। मान लेते हैं कि चाइना ने भारत से लगे अपने 7 एयरफोर्स स्टेशन में से किसी एक के ऊपर J-20 को डिप्लॉय कर रखा है और भारत के फॉर्ड एयरबेस के ऊपर तेजस MK-2 डिप्लॉयड है। चाइना ने अपने J-20 की फॉर्मेशन को LAC के ऊपर पेट्रोलिंग के लिए लगा रखा है और भारत की तरफ से तेजस MK-2 पेट्रोलिंग पे है। अब चाइनीज साइड से एक प्लान किया जाता है कि J-20 की ये फॉर्मेशन LAC को क्रॉस करके इंडिया के फॉर्ड एयरबेस के ऊपर अटैक करेगी। तो इसके लिए J-20 की फॉर्मेशन को एक अवॉक्स ज्वाइन करता है। अब क्योंकि अवॉक्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है और अर्ली वार्निंग एंड डिटेक्शन ही इसका काम है, तो चाइनीज अवॉक्स तेजस MK-2 को इजिली डिटेक्ट करेगा और J-20 की फॉर्मेशन को अवेयर करेगा कि हवा में तेजस MK-2 मौजूद है। तो J-20 की फॉर्मेशन सबसे पहले तेजस MK-2 की तरफ मूव करेगी इसे टेक डाउन करने के लिए, और अब तक तेजस MK-2 इस बात से अनअवेयर रहेगा, लेकिन हवा में लगातार रडार और IRST सिस्टम यूज कर रहा होगा। AESA रडार का यूज 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट के अगेंस्ट में उतना बचता नहीं है, जब तक कि वो फाइटर जेट अगर उत्तम AESA रडार है तो 100 किलोमीटर के अंडर की रेंज में ना आ जाए। साथ ही AESA रडार को जैम भी किया जा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि उत्तम AESA काउंटर मेजर के साथ आती है, यानी कि अगर एनिमी सिस्टम उत्तम AESA को जैम करने की कोशिश करता है तो उत्तम AESA इसके अगेंस्ट में काउंटर मेजर लेगी, फिर एनिमी सिस्टम द्वारा उत्तम AESA के काउंटर मेजर के अगेंस्ट में काउंटर मेजर लिया जाएगा, जिसके अगेंस्ट में उत्तम भी काउंटर मेजर का यूज कर सकती है। हमें उत्तम का पोटेंशियल इस वक्त भले ही कम लग रहा हो क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन एक्चुअल प्रोफाइल में उत्तम बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव सिस्टम है। फिर भी मान लेते हैं कि ये जैम कर दिया गया है, लेकिन तेजस MK-2 के पायलट को इससे पता चल जाएगा कि हवा में एनिमी सिस्टम मौजूद है जो उसे जैम करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो IRST की मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा। अब क्योंकि IRST एक पैसिव सेंसर है तो इसे जैम नहीं किया जा सकता, साथ ही J-20 की बॉडी जो वेवलेंथ एमिट कर रही होगी तो IRST उसे ईजिली डिटेक्ट कर पाएगा और एनिमी सिस्टम पकड़ा जाएगा। एक बार एनिमी सिस्टम डिटेक्ट हो जाती है तो ये डाटा ग्राउंड कंट्रोल तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद ग्राउंड सिस्टम तेजस MK-2 की डाटा को यूज़ करते हुए उस सिस्टम को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगी और अपने बाकी के एसेट्स को डिप्लॉय कर देगी, जिसके बाद एरियल कॉम्बैट हो सकती है। लेकिन एक IRST किस तरीके से एनिमी के स्टेल्दी मिशन के ऊपर पानी फेर सकती है, इसकी इंपॉर्टेंस को ये IRST बताती है, और DRDO द्वारा इसे इंडिजीनियसली ही डेवलप कर लिया गया है, और अब भारत के सभी फाइटर जेट में इस इंडिजीनियस IRST को लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत Su-30 MKI में रशियन IRST को इंडिजीनियस IRST से रिप्लेस करने से हो चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।